वेलकम ऑल ऑफ यू कटारे इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कटारे। दोस्तों, हम इस क्लास में पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के लिए पेपर 3 पार्ट ए इकोनॉमिक्स, उसकी पहली यूनिट। ओके, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं इसमें। जैसे जैसे सिलेबस में दिया हुआ है उसी को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। जैसे आप देखोगे कि इसमें हम कुछ टॉपिक जो हैं कवर कर चुके हैं। सबसे हम पहला टॉपिक ही देख लेते हैं। सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये कंप्लीट हो चुका है। नहीं देख पाए हो तो प्लेलिस्ट बनी है, उसमें देख सकते हो। पिछली दो क्लासेस में हमने कवर किया था कि विकसित भारत एट द रेट 2047, 2047 विकसित भारत, ये क्या अवधारणा है, क्या कल्पना है, क्या इसकी चुनौतियां हैं, कैसे प्राइवेट सेक्टर इसमें अपनी भूमिका निभाएगा, किसको क्या बेनिफिट होंगे। और ये वाला टॉपिक था ना राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं, ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था जीडीपी को, एनडीपी को, जीएनपी को, एनएनपी को। इसमें बस एक टॉपिक छूट गया था जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, वो भी मैं करा दूंगा। आज हम पढ़ेंगे ये वाला जो तीसरी लाइन का सिलेबस है, कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान। ओके, कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का, इंडस्ट्रियल सेक्टर का और सर्विस सेक्टर का। किसमें, जब ये टॉपिक ऐसे लिखा रहता है कि क्षेत्रीय योगदान, इसका मतलब है कि हमारे जीडीपी में कौन सा सेक्टर कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है। एक तरीके से अगर हम एच पर सिलेबस देखें तो ऐसा लगता है बड़ा छोटा सा टॉपिक है। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बता दो कि जीडीपी में आज 18% के आसपास, 17% के आसपास है। इंडस्ट्रियल सेक्टर का बता दो, सर्विस सेक्टर का। लेकिन इतने से मुझे लगता नहीं है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़े से घुमाव फिरावदार भी बनेंगे, तो कोशिश करूंगा कि मैं जिस तरीके से भी प्रश्न आएंगे उनके आंसर आपको दे पाऊं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले हम आज कृषि का लेंगे, कल उद्योग और अगली क्लास में हम सर्विस सेक्टर का। इसके बाद एक और लेक्चर आपको फ्री में यहाँ पर मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली है कल से स्टार्ट हो जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप वाले टॉपिक से इसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान, यानी हमारे जीडीपी में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, एक लाइन में आंसर दे सकते हो कि जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है आज के समय में लगभग 18% है। और आपको एक्यूरेसी चाहिए तो करंट का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें डाटा दिया है, आप बता दो। लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि इतने से काम नहीं चलेगा, हमें ये बताना पड़ेगा कि आजादी के समय कितना योगदान था जीडीपी में, कितने लोगों को रोजगार मिलता था, और इसका, और फिर ये करंट में क्या है, और इसका रोल क्या है हमारी अर्थव्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था में आखिर इसकी भूमिका क्या है। तो ये सारे टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। रोहित, गुड आफ्टरनून। तो कृषि का क्षेत्रीय योगदान, एक इंट्रोडक्शन बना लो, एक शुरुआत कर लो। तो हम शुरुआत करते हैं कि 1950 में भारत के पहले प्रधानमंत्री थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा था एक अपनी स्पीच में कि बाकी सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन कृषि नहीं। ठीक है, तो यहीं से शुरुआत कर दी। जब आप इस तरीके से किसी हिस्टोरिकल पर्सन के कोटेशन को ले लो, या अगर कुछ ऐसा टॉपिक है जहां स्पिरिचुअल हमें कुछ लिखना है तो ऐसी लाइनें ले लें, इनसे जब शुरुआत करते हैं तो निश्चित ही आपकी आंसर राइटिंग अच्छी मानी जाती है। तो यहीं से शुरुआत की हम कृषि के योगदान, नेहरू जी के एक कथन को ले लिया। अब कृषि विश्व का सबसे पुराना संगठित व्यवसाय, संगठित इसे इसलिए कहा, ऑर्गेनाइज्ड इसे इसलिए कहा क्योंकि इसको मिलजुल करके किया जाता है। इसकी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं वो सारी चीजें, आप संगठित शब्द अगर लगता है कि नहीं ये फिट नहीं होना चाहिए, वैसे तो इग्नू के नोट्स से मैंने ये उठाया है, वहां पर भी लिखा था, यूज कर सकते हो, मुझे सही लगा तो मैंने यहाँ लिख दिया, आप चाहें तो इसको हटा सकते हो। व्यवसाय, मानव सभ्यता जितनी पुरानी है, मानव सभ्यता ह्यूमन सिविलाइजेशन, हमारी हड़प्पा सभ्यता जो थी आज से 5000 साल पुरानी है, तो जितनी पुरानी हमारी सिविलाइजेशन है उसी समय से कृषि या कृषि संबंधित एक्टिविटीज करते रहे। ठीक है, तो कृषि संबंधित क्रियाएं,
हम ये नहीं कहते कि आधुनिक तरीके की कृषि की जाती थी, लेकिन एक्टिविटीज तो की जाती थी। पहले नेचुरली हम जो कंदमूल थे उन्हें कलेक्ट करते थे, बाद में उनका रोपण करना, उनकी कटाई करना, ये सब सीख गए। हड़प्पा सभ्यता में तो कृषि के साक्ष्य भी मिलते हैं ना। ठीक है, तो कृषि संबंधी क्रियाएं भी उतनी ही पुरानी है। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार में कृषि का महत्व तो उस देश के आर्थिक विकास के स्तर पर बहुत अधिक निर्भर करता है। ये बड़ा ही आइडियल एक आदर्श इंट्रो है, आप इसका यूज कर सकते हो एज इट। ठीक है, ऊपर की लाइनें सरल सी हैं, नीचे जो लिखा है कि देखो अगर हम कृषि में योगदान, तो ऊपर का मैं बोल रहा था कि ऊपर की जो लाइनें हैं वो सिंपल सी हैं, बस नीचे की लाइन का यदि आपको अर्थ समझना है कि देखो आज बेशक हम किसी भी विकसित देश का उदाहरण ले लें, वहां पर एग्रीकल्चरल सेक्टर का उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है जितना इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का है, लेकिन आज से पहले कृषि पर उनकी निर्भरता थी। और ये डाटा बताते हैं कि यदि कृषि अच्छी है तो आप अपने देश में रोजगार भी ज्यादा दे सकते हो, तो इन पर निर्भर करता है ये इसकी शुरुआत होगी। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके अगले पॉइंट रख सकते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, या हम इकोनॉमिक सेक्टर जिन्हें कहते हैं, तो वो तीन क्षेत्र कौन से होते हैं? आप कृषि, उद्योग और सेवा इस नाम से डिवाइड करो, या प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के नाम से देखो, है ना? तो उनसे संबंधित गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र भी कहलाती हैं। किससे संबंधित? कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र भी कहलाती हैं। भारत में स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान तक इसमें संरचनात्मक परिवर्तन हुए, स्ट्रक्चरल चेंज हुए। पहले पशुधन का उपयोग ज्यादा किया जाता था, खेतों की जुताई हो, जो श्रम था वो ज्यादा लगता था, अब इसमें तकनीक का भी उपयोग करने लगे हैं। चाहे आप सिंचाई की बात करो, चाहे कटाई की बात करो। ठीक, अब आते हैं इसके योगदान को और आगे देखते हैं। तो देश की स्वतंत्रता के समय हमारा जो जीडीपी था, जीडीपी से ही हम डाटा कलेक्ट करते हैं इनकम के, जीडीपी में कृषि का योगदान कितना था और कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ था, श्रम शक्ति को जो रोजगार मिला था, तो उसमें ये सबसे प्रमुख क्षेत्र था। अब आप इसमें डाटा इनपुट कर सकते हो। तो जीडीपी में जो योगदान था लगभग 49%, और रोजगार की अगर हम बात करें तो 72% जो हमारी कार्यशील जनसंख्या थी उनको इसमें रोजगार मिला था। इसके कंपैरेटिवली हम द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की बात करें, वो उतने एडवांस लेवल के नहीं थे जैसा कि आज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे जैसे देश का विकास हुआ या जैसे जैसे समय गुजरता गया, सकल घरेलू उत्पाद में जो कृषि का योगदान है परसेंटेज वाइज वो कम होता गया। इसको ऐसे समझना है, यानी आज के जीडीपी का, जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम है, लेकिन वॉल्यूम यानी साइज बढ़ गया है। पहले अगर ऐसे समझो कि कोई हमारे देश की इनकम सिर्फ 100 रुपये थी, तब जा करके 50 रुपया या उससे अधिक हम एग्रीकल्चर से लेते थे। आज हमारे देश की इनकम हो गई है 10,000 रुपये, तो कृषि का कंट्रीब्यूशन पहले के 50 रुपये की तुलना में तो ज्यादा है। लेकिन अदर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, इसलिए हमें ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि जैसे जैसे देश का विकास हुआ सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान में कमी आई या निरंतर कमी होती गई। मैंने 2021 के डाटा ले लिए हैं, आप 2023-24 के डाटा भी इसमें इनपुट कर सकते हो, तो वो योगदान लगभग 18% के आसपास है, 20% रहा। लेकिन इसके बाद भी अभी भी रोजगार प्रदान करने में, चाहे वो द्वितीयक सेक्टर हो चाहे वो तृतीयक क्षेत्र हो, उनमें यही क्षेत्र जो है पहले नंबर पर आता है। और यही एक कारण भी है कि हम भारत को क्या कहते हैं, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश कहते हैं। देखो कैसे, डेफिनेशन ये है कि जीडीपी में किसी भी देश के सकल घरेलू उत्पाद में जिस भी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन मोर देन 50% हो, यानी मिनिमम 50% हो, अधिकतम कितना ही हो, तो वह सेक्टर उसी के नाम से जाना जाएगा। आज हमारे जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान जो है सर्विस सेक्टर का है, लेकिन उसके बाद भी हम कृषि, भारत को क्या कहते हैं, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश,
या एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी। तो दूसरा सेक्टर इसमें ये देखा जाता है कि सिर्फ जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मत बताओ, कंट्रीब्यूशन के साथ ये भी चेक करना पड़ेगा कि देश की ज्यादातर आबादी जो है वो रोजगार कौन से सेक्टर में किस क्षेत्र में प्राप्त करती है। तो रोजगार देने में ये पहले नंबर पर है। ठीक है, तो हमने पुराने की तुलना कर ली, करेंट के डाटा बता दिए। अब इसी से संबंधित चीजें और बढ़ते हैं कि देश के आर्थिक विकास में कृषि की क्या भूमिका है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में हम पहले बात करेंगे, फिर हम भारत पर आ जाएंगे। तो जो देश जो आज एडवांस जिन्हें हम डेवलप्ड कहते हैं, विकसित कहते हैं, जिनमें आज सेकेंडरी यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ज़्यादा जोर है, टर्सरी यानी सर्विस सेक्टर पर ज़्यादा जोर है, यहाँ से ये बहुत अधिक आय अर्जित करते हैं यानी इनकम होती है। लेकिन जब इनका भी विकास हो रहा था तब प्रारंभिक चरणों में भी उनकी निर्भरता जो थी वो कृषि पर ही थी। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये विशेषज्ञ जो हैं वो बताते हैं। तो भारत में भी कृषि पर निर्भरता है। हम अब विकसित होने की ओर बढ़ रहे हैं, विकासशील हैं, तो इसके बाद जाकर के हम इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में और अच्छा कर पाएंगे। तो जो यह प्रदर्शित करता है कि भविष्य में विकसित बनाने के साथ साथ वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति भी किससे हो रही है, कृषि से हो रही है। तो एक अर्थशास्त्री है साइमन कुजनेट या कुजनेट, वो बताते हैं उन्होंने कृषि को क्या किया है कि इसके योगदान को तीन भागों में बांट करके बताने की कोशिश की। ठीक है, वो कौन कौन से उनके अनुसार तीन भाग, एक कारक योगदान माना है उन्होंने, कारक यानी कि फैक्टर जिसे कहते हैं, चाहे इसमें पूंजी हो चाहे श्रम हो, दूसरा उत्पाद योगदान है, तीसरा बाजार योगदान। हम तीन को यहाँ डिटेल नहीं कर रहे हैं, हम इसके आगे बढ़ते हैं। और भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में या भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है ये, और देन उसके बाद देखेंगे कि इसके सामने चुनौतियां क्या आती हैं। ठीक है, तो एक एक करके बढ़ते हैं। सबसे पहला एक बड़ा फैक्टर जो हमारे देश में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि निभाती है वो है रोजगार के स्रोत के रूप में कृषि। स्रोत भी बोलते हैं कुछ लोग, स्रोत भी पढ़ते हैं। कृषि भारत का आज भी सबसे बड़ा नियोक्ता है यानी रोजगार देने वाला ऑर्गेनाइजेशन। यद्यपि समय के साथ इसमें कार्यशील जनसंख्या जो है उसमें कमी आई है, लेकिन दूसरा कोई भी सेक्टर इतनी बड़ी संख्या में रोजगार नहीं दे पा रहा, ये फैक्ट है ना। लेटेस्ट जो डाटा है वो बताते हैं कि भारत की आज भी 42% जो कार्यशील जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या उसे कहते हैं जो काम करने के योग्य है यानी युवाओं की संख्या, 18 से 60 साल की आबादी तक को आप इसमें रख सकते हो। मोटे तौर पर कृषि में कोई डाटा फिक्स नहीं होता, 70 साल के बुजुर्ग को भी हम कृषि क्षेत्र में काम करते हुए देखते हैं, तो 10-12 साल के बच्चे को भी हम कृषि क्षेत्र में काम करते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें विश्व के विकसित देशों को, अमेरिका, ब्रिटेन या वेस्टर्न यूरोपीय जो कंट्री हैं, तो उनमें 2% या 3% जनसंख्या है वही कृषि क्षेत्र में संलग्न। न्यूजीलैंड में 10% आबादी है, वहाँ पर एग्रीकल्चरल को एक बिजनेस की तरह, इंडस्ट्री की तरह रन किया जाता है। दूसरा महत्व इसका आता है कि भारत की एक बड़ी आबादी, भारत की बड़ी आबादी क्या, भारत खुद ही अपने आप में भारत की जो भी जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास, उन सब के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति, भोजन की आपूर्ति। भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का कहना है कि कुछ ही दिनों में हम चीन से आगे निकल जाएंगे। अब इतनी बड़ी आबादी को भोजन की आपूर्ति करना कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है, भोजन की आपूर्ति करना और उस इतनी बड़ी आबादी को रोजगार देना। तो और जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, अगर हम देश की आज़ादी से अभी तक चलें तो ये आबादी बढ़ती ही जा रही है ना, और अभी भी स्टेबिलिटी नहीं है, स्टैग्नेशन की सिचुएशन नहीं है, इसको आने में अभी समय लगेगा। दोनों समय का भोजन मिल जाए ये बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को हमारे नीति निर्माताओं ने पूरा करने की कोशिश की। हरित क्रांति के द्वारा काफ़ी अधिक चेंज आया, नई तकनीक लेकर आए, जलवायु परिवर्तन को भी ध्यान में रख करके नीतियां बनाई। हरित क्रांति के कारण हम खाद्यान्न के क्षेत्र में काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर हुए, लेकिन आज भी हम फूड सिक्योर तो नहीं है।
हरित क्रांति, नई तकनीक, जलवायु परिवर्तन को ध्यान के रखकर समय समय पर नीतियां बनाई जा रही हैं और भारत खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। ये भी हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल रखता है। अगला आता है उद्योगों के लिए कच्चे माल का प्रावधान, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो क्या करता है कि उसे चाहिए कच्चा माल, और कच्चे माल को वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट बना के तैयार करेगा। जैसे अगर हम चीनी खरीदते हैं तो चीनी खेतों में तो नहीं उगती चीनी, इसके लिए कच्चा माल क्या है, शुगर केन, गन्ना। तो ऐसे राष्ट्रीय महत्व के बड़े सारे उद्योग हैं, जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ पर आप शुगर इंडस्ट्री को लिख सकते हो, चीनी उद्योग को लिख सकते हो, जूट उद्योग, ये पैकिंग पैकेजिंग मटेरियल में काम आता है, कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग। ये ऐसे उदाहरण हैं जिनके लिए पूरी की पूरी कच्चा माल आपको कृषि से ही मिलेगा। कई सारी फैक्ट्री इंडस्ट्री ऐसी होती हैं कि जिनके लिए कच्चा माल दूसरी फैक्ट्री बना करके दे देती है। जैसे कोई लैपटॉप बना कर दे रहा है तो लैपटॉप के अंदर लगने वाले जो कलपुर्जे हैं वो कोई दूसरी फैक्ट्री बना के दे रही है, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी डिपेंडेंसी किस पर है, कृषि पर है। तो ये कृषि पर निर्भर है कच्चे माल की। इसके अलावा अगर हम और दूसरे टाइप की इंडस्ट्री देखें, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जैसे जैम एंड जेली वाले हो गए, तो इनकी भी पूरी की पूरी जो सीरीज है, श्रृंखला है, वो कृषि पर निर्भर है। तो उद्योगों के लिए कच्चा माल हमें कहाँ से मिलता है, कृषि से मिलता है। ये भी बहुत बड़ा योगदान है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में। फिर आता है गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी एलिवेशन। किसी भी देश में कृषि विकास और गरीबी उन्मूलन इसका प्रत्यक्ष रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर वहाँ पर कृषि नहीं है तो गरीबी और ज़्यादा होगी, और यदि वहाँ की कृषि उन्नत है, एडवांस लेवल की है, तो आप समझ लो गरीबी वहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, विश्व बैंक ने सन 2008 में एक स्टडी की थी, 2008 में, और उस स्टडी के अनुसार उसने बताया था कि जीडीपी में यदि कृषि क्षेत्र का योगदान ज़्यादा है, ज्यादा हो रहा है अगर कंटिन्यूअस, तो उस देश में गरीबी कम करने में बहुत अधिक सहायता मिलती है। तो ये अपने आप में प्रूवन फैक्ट है कि अगर कृषि क्षेत्र ग्रोथ करता है तो उस देश में पॉवर्टी को आसानी से कम कर सकते हैं और धीरे धीरे समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, चीन में कृषि जीडीपी में वृद्धि गरीबी को कम करने में 3.5 गुना प्रभावी थी, और भारत में भी अब ये इसके कुछ हमें प्रत्यक्ष परिणाम देखने को मिले। पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के बाद भारत में भी गरीबी की संख्या में धीरे धीरे कमी आई, और अभी लेटेस्ट डाटा है कि 25 करोड़ नंबर जो हैं वो लोग गरीबी की रेखा के बाहर हो गए। सरकारी आंकड़े हैं तो थोड़ा बहुत, तो मतलब ऐसा नहीं है कि सारे फेक होंगे, 25 के 20 करोड़ तो होंगे। दूसरी बात ये आती है कि अब आप और हम खुद अनुभव कर सकते हैं कि पहले जैसी गरीबी नहीं दिखाई देती। अब सरकार की तरफ से मुफ्त में राशन मिल रहा है, मुफ्त में इलाज है, मुफ्त में शिक्षाएं हैं, तो कहीं ना कहीं पहले से सुविधाएं हैं। कुछ हिस्से हो सकते हैं जहां तक ये सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, लेकिन आने वाले समय में वो भी हम देख पाएंगे कि दूर हो पाएगा। तो गरीबी उन्मूलन में भी भारतीय कृषि सॉरी कृषि का विशेष योगदान है। वैश्विक व्यापार में भागीदारी यानी ग्लोबल ट्रेड की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड की बात करें, तो उसमें भी कृषि का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है। देखें, स्वतंत्रता के समय देश की आबादी, उसके लिए भोजन ही मिल जाए, यही सबसे बड़ी चुनौती थी हमारी कृषि के लिए। लेकिन जब हरित क्रांति हुई, भोजन नहीं मिलता था उस समय, जितनी आबादी थी, तो हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, आयात करना पड़ता था। इवन जो हरित क्रांति हुई है ये भी इसी का एक परिणाम है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार, जो वर्ल्ड बैंक बनाया गया, उसका एक दूसरा नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक इसका नाम है। तो इसका काम था कि फिर से निर्माण करना, रिकंस्ट्रक्शन करना, दूसरे विश्व युद्ध में जो अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई थी, कॉलेप्स हो गई थी, उनको फिर से बिल्डअप करना था। इसके लिए ये संगठन बनाया गया। तो इसने देखा कि कुछ ऐसे भी देश हैं जो काफ़ी गरीब विकासशील स्थिति में हैं, बड़ी आबादी है, तो वो अपनी आबादी के लिए भोजन भी नहीं जुटा पाते,
उनको उसने सहायता पहुंचाने का काम किया। भारत में हरित क्रांति इसकी मदद से भी हुआ, हमारे प्रयासों से भी हुआ। यानी हरित क्रांति में क्या चाहिए था कि उन्नत किस्म के बीजों की आवश्यकता थी, जिन्हें हम हाई यील्डिंग वेराइटीज के नाम से जानते हैं, गेहूं और चावल प्रमुख रूप से, अधिक उपज देने वाली किस्में। अधिक उपज देने वाली जो किस्में थी, इनका विकास, इनका जो खोज थी वो हो चुकी थी, मैक्सिको में सफल परीक्षण हुए थे। तो भारत ने इनको पाने का प्रयास किया, रियायती दरों पर हमें ये मिला। अब इनके साथ हमें चाहिए था केमिकल फर्टिलाइजर्स, वो भी हम इंपोर्ट कर पाए, इंपोर्ट करना पड़ा हमें। पेस्टिसाइड्स, सिंचाई की जो सुविधाएं हैं, तकनीक हैं, तो ये सब कुछ निर्भर करता था आयात पर। बट हरित क्रांति 1966 से 1969, इन 3 सालों के दौरान ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। तो इस अवधि में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, उसमें हमारे जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है वो 1.5 से 2 गुना ज़्यादा हो गया। तो इससे न सिर्फ हमारी आयात पर डिपेंडेंसी घटी, हम अपने लिए खाद्यान्न स्वयं पैदा करने लगे जितनी हमारी जरूरत होती है, और कई सारी चीजें तो ऐसी हैं कि जिनका हम क्या करने लगे, निर्यात करने लगे। कुछ इसके लिए उदाहरण दे सकते हो, जैसे चावल, कपास, सोयाबीन, मांस, ये हम विश्व में निर्यात करते हैं, और एक्सपोर्ट के सेक्टर में हम टॉप 10 में भी आते हैं। ठीक है, जैसे मांस के निर्यातों में जो है भारत काफी आगे है, चावल के निर्यात में पिछले साल तो हम थाईलैंड से आगे निकल गए थे, कपास का निर्यात करने में वर्ल्ड लेवल पर भारत की रैंकिंग ऑलमोस्ट तीसरे के आसपास है, थर्ड रैंकिंग हम रखते हैं। इससे फायदा होता है कि जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो विदेशी मुद्रा मिलेगी, विदेशी मुद्रा मिलेगी तो इससे क्या होगा, हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भरा रहेगा। और दूसरी चीजें जिन्हें हम, जो हमारे लिए मस्ट एसेंशियल है, इंपोर्ट करना, आयात करना, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, तकनीक हो गई, तो उस पर हो पाएगा। एक तो हम पहले से ही आयात कम कर पाए, हमारी एग्रीकल्चरल इतना अच्छा हो गया तो इस वजह से, दूसरा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी भी लेकर आ रहे हैं ना, तो वैश्विक व्यापार में भागीदारी, निर्यात में भागीदारी बढ़ रही है। हमारे ट्रेड का 10% कृषि और कृषि से संबंधित प्रोडक्ट ही होते हैं। नेक्स्ट, तो ये तो था क्या कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। अगर इतना ही पूछा है तो यहां पर कंक्लूड कर देंगे, निष्कर्ष लिख के खत्म करेंगे। यदि उन्होंने पूछ दिया है कि कृषि के समक्ष क्या चुनौतियां हैं वो बताओ, है ना, तो मैं कुछ चैलेंज का एक आउटलाइन देता हूँ, उस आउटलाइन को और आप रिफॉर्म करके और इम्प्रोवाइज करके लिख सकते हैं। तो भारतीय कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, बोन है, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी होती है, तभी तो व्यक्ति सीधा बैठता है अकड़ के। लेकिन इसके समक्ष कई चुनौतियां हैं, तो वो चुनौतियां क्या हैं उनको हम देखते हैं। अब कोई पॉइंट आगे पीछे भी कर सकते हो, जैसे जलवायु परिवर्तन यहाँ पहले ले लिया है, अदरवाइज नई तकनीक ये आप पहले ले सकते थे। तो क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है चैलेंज के रूप में। अब इसके अंतर्गत छोटे छोटे कई पॉइंट आप बना सकते हो, जैसे भारत में सूखे की स्थिति और बाढ़ की स्थिति दोनों ही विपरीत नेचर की फेनोमेना है। सूखे में पानी नहीं आता है और बाढ़ में अत्यधिक आ जाता है, तो एक्सेस फ्लो ऑफ वाटर और पानी की कमी दोनों ही हमारी कृषि के लिए हानिकारक है। अनियमित रूप से वर्षा, वर्षा का अभी आप देखो ना, मानसून सीजन चल रहा है, 1 घंटे में 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच वर्षा हो रही है, 3 महीने खाली जा रहे हैं, है ना। ये स्थिति अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़, ये कुछ ऐसे ही परिवर्तन है, और कृषि एग्रीकल्चर फैक्ट्री में तो नहीं होता ना, इसके लिए तो ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, तो ये अनिश्चित है, तो ये फसलों को नुकसान पहुंचाती है। क्लाइमेटिक चेंज के रूप में आ जाता है टेम्परेचर, लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब तापमान बढ़ेगा तो वे फसलें जो अधिक तापमान में नहीं उगाई जा सकती, उनके उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, उनकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता कम हो जाएगी। इसीलिए अभी क्या पॉली हाउस और ये सब चीजें आप देखते हैं ना, उनके जैसे अब फसलों, वेजिटेबल हो गए, फूलों की हो गई, मेडिसिनल प्लांट हो गए, इनको हम ओपन ओपन फील्ड में तो नहीं उगा सकते ना,
मृदा का क्षरण यानी जो सॉइल इरोजन है, बारिश तेज गति से पानी बहता है तो जो उपजाऊ मिट्टी है उसको काट करके बहा करके ले जाता है, फर्टाइल सॉइल बह गई तो पीछे से क्या बचा? कंकड़ पत्थर बंजर भूमि, जिस पर प्रोडक्टिविटी वैसे ही कम हो जाएगी। इससे संबंधित यहाँ आप डाटा भी दे सकते हो, ठीक है, डाटा आपके पास एक्यूरेट है तो रेफरेंस, नहीं है तो लगभग करके दे सकते हो। जैसे मैंने एक जनरल सी बात लिखी डाटा के नाम पर कि पिछले दशक में भारत में सूखे की घटनाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, अलग अलग जगह सूखा देखने को मिलता है। तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से अब समझ लो आप कि कृषि के उत्पादन में 10% तक की कमी आ जाती है। मात्र 0.5 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया तो जिस खेत में 1 क्विंटल उपज होती थी वो घट करके कितनी रह जाएगी, 90 kg रह जाएगी। दूसरा चैलेंज सिंचाई की समस्या, ये टॉपिक इसके अंतर्गत भी समझा जा सकता है, इसको हम अलग से भी समझ सकते हैं कि भारतीय कृषि से संबंधित चाहे वो एमपी का टॉपिक हो चाहे वो जियोग्राफी में अलग टॉपिक हो उसमें भी आता है, ठीक है। सिंचाई की समस्या, सिंचाई भाई कृषि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद तो आवश्यक हो जाता है कि बिना सिंचाई के तो फसलें हो ही नहीं सकती, और देश में कई बड़े भूभाग ऐसे हैं जहाँ पर सिंचाई की कोई सुविधाएं नहीं है, सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है। ज़्यादातर क्या होता है, भूमिगत जल का प्रयोग करते हैं ट्यूबवेल लगा करके, बोरवेल बना करके। अब शहरों में गांवों में किसानों सभी जगह ट्यूबवेल लगा करके जमीन के अंदर के पानी को बाहर निकालेंगे और उतना वाटर उसमें रिचार्ज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये जो भूमि का अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है वो नीचे चला जाता है। आसानी से 30-40 फीट की गहराई पर पहले पानी मिल जाता था, आज बेंगलोर में आप 1000 फीट से ज़्यादा की गहराई पर पानी प्राप्त करते हैं, इंदौर जैसे शहर में 600 फीट की गहराई पर पानी प्राप्त करते हैं। तो अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमिगत जल स्तर तेजी से गिर रहा है, कई सारे राज्यों में ये देखने को मिलता है खासकर पंजाब हरियाणा में कि वहाँ पर वो कभी ट्यूबवेल को ऑफ ही नहीं करते, मुफ्त की बिजली मिलती है बस चालू छोड़ दे। नेक्स्ट आता है जल प्रदूषण की भी समस्या है ना, अगर खेतों में शुद्ध जल नहीं होगा प्रदूषित होगा, यानी एक तो हम कीटनाशकों का प्रयोग पहले से कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी इंडस्ट्रीज की वजह से और कृषि से निकलने वाले प्रदूषकों की वजह से कैसा हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, उसका उपयोग करने पर हमारे जो फसलें हैं जो प्रोडक्ट हैं वो सब टॉक्सिक हो जाते हैं, जहरीले हो जाते हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती है ना। तो भारत में जो सिंचित क्षेत्र है यानी इरिगेटेड जो फैसिलिटी है वो 100% नहीं है, 50% है मात्र, यानी आधा हमारा क्षेत्र ऐसा है जहाँ सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है, इसलिए भी हम लार्ज जो लेवल पर क्वांटिटी है वो नहीं प्राप्त कर पाते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की, प्रोडक्टिविटी हमारे विकसित देशों की तुलना में कम है। कई स्थानों पर भूमिगत जल है जो खत्म हो गया है, यानी कि ये समझ लो कि एवरी ईयर 1 मीटर से ज्यादा वो गहरा होता जा रहा है, और कितना कितना डिगिंग करोगे, कितनी खुदाई करोगे। अगली समस्या आती है मृदा की उर्वरता में कमी, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। अत्यधिक उर्वरक होता क्या है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद किसानों ने समझा के अगर हम रासायनिक उर्वरकों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो उपज ज़्यादा होती है, एनपीके का विशेषकर प्रयोग किया गया। अब इसकी की भी लिमिट है, अब रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करोगे तो मिट्टी की जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो समाप्त हो जाती है, बिना उर्वरकों के उसमें फसल ही नहीं होगी, और अत्यधिक उर्वरकों का उपयोग करते हो तो वो तो कीटनाशक हैं, केमिकल्स हैं, वो मिट्टी को जल को फसल को सबको नुकसान पहुँचते हैं, तो उसकी उर्वरता धीरे 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 कम होती जा रही है। पहले व्यक्ति क्या करता था कि उसके घरों में पशुओं पालन किए जाते थे, उनके गोबर की खाद बनती थी उसी का उपयोग करते थे, अब मशीनों का प्रयोग हो गया पशुओं को हटा दिया, ट्रैक्टर का उपयोग करने लगे तो गोबर की खाद उपलब्ध ही नहीं है, रासायनिक खाद उपलब्ध है, वो सब नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं किसको, मिट्टी को, रसायनों के प्रयोग से, कीटनाशकों के रूप में, खरपतवार नाश पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स के रूप में, केमिकल केमिकल ही मिल रहा है ना। प्लस फसल चक्र, फसल चक्र यानी कि होता क्या है कि जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो गेहूं का सरसों का चावल का इनका उत्पादन बढ़ा, किसान अपने खेतों में वही फसल बार बार उगा रहा है,
मोटे अनाजों की, दलहनी फसलों के उत्पादन कम कर दिया। तो जब एक ही फसल को बार बार उगाएंगे तो उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये फसल चक्र को ना अपनाना ये भी बड़ा चैलेंज है। तो ये सब चुनौतियां हमें देखने को मिलती हैं जो भारत में किसानों के समक्ष है, जो मृदा की फर्टिलिटी को कम करती है। तो 50% जो कृषि योग्य भूमि है वो धीरे धीरे इसके दुष्प्रभाव की वजह से अब खराब होती जा रही है। लंबे समय में इसके दुष्प्रभाव और ज्यादा खतरनाक डरावने आएंगे। फिर आता है भारतीय किसानों के समक्ष है कीट और रोगों की समस्या। जितना ज्यादा हम कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, जितना ज्यादा खरपतवार नाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, तो एक कीट समाप्त होता है, उसकी नई प्रजाति, वो भी तो अपना इम्प्रोवाइज कर लेते हैं ना, तो वो नए प्रकार के कीट, जलवायु परिवर्तन के कारण नए प्रकार के कीटों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तो उस पर खर्च भी बढ़ेगा, रिसर्च भी बढ़ेगी। फसलों को अलग अलग प्रकार के रोग लग रहे हैं, रोग लगने से फसल का उत्पादन कैसा हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा ना, ये समस्या आती है। ठीक है, तो पिछले 10 सालों में ये देखने को हमें मिला है अलग अलग सेक्टर में कि अलग अलग प्रकार की जो कीट हैं उनका प्रकोप बढ़ा और फसलों को अलग अलग प्रकार के रोग लगे हुए हैं, है ना। फिर एक और समस्या आ जाती है, बाजार की अस्थिरता, इनस्टेबिलिटी। समझना इस बात को कि बाजार में देखने गए कि टमाटर का भाव 200 रुपए किलो पहुंच गया, 100 रुपए से ऊपर हो गया, तो किसान क्या करेगा, अब अपने खेतों में वो टमाटर की फसल करने लगे। या सरसों का भाव पता चला कि 8,000 रुपए क्विंटल हो गया, तो किसान अपने खेतों में सरसों का उत्पादन कर रहा है क्योंकि उसने देखा कि इसकी कीमत अच्छी मिल रही। अब कीमत अच्छी है तो उसके पीछे कारण क्या होता है, दो कारण होना चाहिए, एक उसकी डिमांड ज्यादा हो और दूसरा कारण हो सप्लाई कम हो। अब ये जब टमाटर का भाव या किसी भी चीज का भाव बढ़ा तो सप्लाई शॉर्ट होने की वजह से ज्यादा बढ़ता है। अब जब सारे किसान उसी फसल का उत्पादन करेंगे तो इसका मतलब है एक्सेस प्रोडक्शन, यानी अधिकतम उत्पादन हो जाएगा। तो फिर जो टमाटर का भाव उसने जिस उम्मीद में 100 रुपये प्राप्त करने के लिए किए थे वो घट जाएगा, क्योंकि टमाटर जैसी चीजें जो जल्दी खराब हो जाती है, 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो उसे मुफ्त में छोड़ना पड़ेंगे। तो बाजार की अस्थिरता है क्योंकि देश में ये स्थिति बनी हुई है कि जो बिचौलिए होते हैं, यानी किसान अपने खेतों में फसल का उत्पादन करता है और बाजार में जिस कीमत पर वह जो जो उपभोक्ता प्राप्त करता है उसके बीच में एक बड़ा गैप है। एक तरफ किसान है और दूसरी तरफ है उपभोक्ता। किसान का इस उपभोक्ता से डायरेक्ट संबंध नहीं है, बीच में आ जाते हैं बिचौलिए, यानी यहाँ पर कौन आएगा, व्यापारी आएगा जो किसान के खेत से फसल खरीद लेगा और फिर उसे स्टोर करके या महंगी दरों पर बेचने का काम करेगा। मंडी व्यवस्था जो है, यानी किसान अपनी फसल को लेकर के मंडी में आता है तो वहाँ उसको उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसी बात को लेकर के पंजाब हरियाणा में जो आपने देखा है कि किसानों ने आंदोलन भी किया था MSP के सपोर्ट में, अभी भी कर रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए, लेकिन देश के अन्य राज्यों के किसानों उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। हरित क्रांति का लाभ जो मिला है वो पंजाब और हरियाणा के किसानों को ही मिला है, अन्य राज्य के किसानों को नहीं मिला। तो मंडी व्यवस्था में खामियां होने की वजह से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। बिचौलिए, मीडिएटर, उनकी भूमिका है कि कंज्यूमर और किसान के बीच में एक बाधा उत्पन्न कर देते हैं। आप सब्जी मंडी से फसल खरीदते हो तो सब्जी मंडी में जो फसल बेचता है वो किसान थोड़ी है, और किसान से तो वो क्या करता है, किसान सुबह सुबह जैसे किसी शहर के पास में गांव में किसी किसान ने सब्जियां उगाई और उसने सोचा कि चलो मैं इसको बाजार में बेच के खुद आ जाता हूँ, तो वो मंडी तक आएगा, सुबह सुबह जल्दी मंडी खुलती है, वहाँ वो किसान जो फसल लेके आया, कोई भी वेजिटेबल थी उसकी, चाहे वो लौकी हो चाहे भिंडी हो XYZ, अब वो क्या करता है, वो लेके आया अपनी गठरी, वहां पर बोली लगती है तो बोली लगा देते हैं बस। अब बोली लगती है तो उस बोली लगाने वाले कौन होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो किसान की बोली लगा देंगे तो पूरी फसल उसकी 200 रुपये या 300 या 400-500 में खत्म हो जाती है। उसी को वो व्यापारी करता है, उसमें उसकी ग्रेडिंग कर लेगा, यानी उसको थोड़ा साफ सुथरा कर लेगा पानी से और उनको व्यवस्थित रूप से जमा लेगा, छटाई कर लेगा, जो अच्छी चीजें हैं उनको अलग ढेर बना देगा, उससे जो खराब है उनको अलग ढेर बना देगा, फिर उसके अलग अलग रेट कर लेगा। किसान ये काम नहीं कर पाता है। तो मध्यस्थों की भूमिका,
नेक्स्ट फिर क्या होता है कि कई सारी चीजें हमारे देश में आज हमें देखने को मिलती हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहे हैं, तो इंपोर्ट होने की वजह से वो घरेलू बाजार को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब कई सारे किसान जो हैं उनको चाहे तकनीक का प्रयोग करना पड़े चाहे बीजों की व्यवस्था करना पड़े तो वो क्या करते हैं, कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज के जाल में ही फंसे रहते हैं, पिछला कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज, नए कर्ज को चुकाने के लिए फिर नया कर्ज। ठीक है, इस कारण से हमें हमारे देश में देखने को मिलती है किसानों के द्वारा की जाने वाली आत्महत्याएं, आय में कमी हो गई और कर्ज बहुत ज्यादा हो गया, अब कैसे चुकाएगा, तो किसान इस गम में आत्महत्या, उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। जो भी व्यक्ति सुसाइड करता है, सुसाइड करने के पीछे अगर कोई आपको जरा सा धकेल दे, मारने लगे, तो हम कितना डर जाते हैं, पर यहां व्यक्ति स्वयं मौत को गले लगा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे जीवन से ज्यादा सरल, ज्यादा सहज क्या लग रहा है, मौत, यानी दूसरे तरफ का रास्ता उसे बहुत ही आसान लग रहा है इधर वाली दुनिया से। ठीक है, तो वो उसकी पीड़ा है, वो उसकी परेशानियां है, तो क्यों करता है, इसलिए क्योंकि ज्यादातर वह कर्ज में डूबा हुआ है, उसके अपने खर्चे हैं, परिवार का भरण पोषण करना है, कैसे चुकाएगा। ठीक है, ये बड़ी समस्या है। फिर सामाजिक समस्याएं, जैसे कई सारे किसान छोटी बहुत जमीन थी भी, अब कोई बीमार हो गया, किसी की शादी करना पड़ी, वह जमीन बेचनी पड़ी, अब भूमिहीन हो गया, अब दूसरों के खेतों में जाके मजदूरी कर रहा है या काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, सोशल इनइक्वालिटी भी है, तो ये सब कारण बन जाते हैं भारत में, और दक्षिण भारत में तो कई सारे किसान आत्महत्या करते हैं। विश्व में किसानों के द्वारा आत्महत्या सबसे ज्यादा भारत में की जा रही है। ऐसे आप और कुछ चैलेंजेस जोड़ सकते हो। अब इन चीजों का सॉल्यूशन, समस्या आपने बताई है तो समाधान भी आप ही बताओगे। समाधान यानी सुझाव है, क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, तो समाधान सिंचाई सुविधाओं का विकास किया जाए, विस्तार किया जाए, नई तकनीक जो है जैसे ड्रिप सिस्टम है या जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, उस विधि से पानी कम लगता है लेकिन वो थोड़ी महंगी है, तो आधुनिक तरीकों को अपनाया जाए। इजराइल जैसे जो देश हैं वो कितने सक्षम हो गए हैं, कुछ बड़े समृद्ध किसान उस टेक्नोलॉजी को अपने देश में प्रयोग में ला रहे हैं और भरपूर लाभ भी कमा रहे हैं, लेकिन जो आम किसान है उस तक ये चीज़ें नहीं पहुँच रही। मृदा स्वास्थ्य सुधार, यानी किसान अपने खेतों की मिट्टी का परीक्षण उसका हो सके आसानी से। अभी हालांकि सरकार की योजना है, हेल्थ सॉइल कार्ड बनाए जा रहे हैं, जब उसे पता चल जाएगा कि मेरे खेत में इस पोषक तत्व की अधिकता है और इस पोषक तत्व की कमी है, तो जिसकी कमी है उसकी पूर्ति के लिए वो उपाय करेगा। अभी ऐसा नहीं कि वो NPK दिए जा रहा है जबकि जरूरत ही नहीं है, उसको जरूरत किसी और चीज की थी। फिर बात आती है कि जब आप अपनी मिट्टी का परीक्षण करा लेते हो, नई तकनीक अपना लेते हो, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इसको प्रमोट करो, केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग खत्म ही कर दो, फसल चक्र का पालन करो, इससे आसानी से कीट पतंगे जो हैं वो वैसे ही नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो कीट और रोगों पर नियंत्रण, जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करो, और इनका प्रयोग अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन देश की आबादी इतनी ज़्यादा है तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान ये अभी प्रयास लग रहे हैं, इसमें विस्तार करने की आवश्यकता है। और भी सुझाव दे सकते हो, बाजार, भाई किसान की समस्या क्या है, फसल तो उसने पैदा कर ली लेकिन बाजार में जिस कीमत पर सेल होती है वह दाम उसको नहीं मिलता है, तो उसको सीधे बाजार से कनेक्ट करो, मध्यस्थ जो है उनको हटाओ, यानी उपभोक्ता और उत्पादक दोनों का डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए, और बीच में यदि मीडिएटर आ रहा है तो उसको एक पर्टिकुलर कमीशन, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा मार्जिन जो है वही लेकर जा रहा है। फसल खराब हो जाती है, मौसम पर निर्भरता है, बाढ़ है, सूखा है, आग है, तो इसके लिए बीमा, इंश्योरेंस ये जरूर है, सरकार की योजना है, लेकिन आज भी भारत के अधिसंख्यक किसान इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। और कृषि, किसान को जागरूक करो ना, कृषि शिक्षा दो, किसान कैसे सीखता है अपने खेतों में कार्य करना, दूसरे को कार्य करता हुआ देखकर, इसे रूल ऑफ थंब कहते हैं, उसके स्थान पर उसे एक ज्ञान, टेक्निकल, आधुनिक कृषि की तकनीकों से परिचित कराया जाए, उसको ट्रेनिंग दी जाए, इसके लिए यदि उसको कुछ सहायता देनी पड़ती है वो भी दी जाए, निःशुल्क ये व्यवस्थाएं की जाए।
अलग अलग जगहों पर सेंटर खोले जाएं, जैसे एग्रीकल्चरल कॉलेज हैं, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हैं, उनमें कार्यक्रम और ज़्यादा चलाए जाएं। सरकार की जो नीतियां बनाई जाती हैं उन नीतियों को प्रभावी करें। नीति बनी हुई है, चेक करो वो अपने रिजल्ट को दे पा रही है, नहीं दे पा रही है उसकी समीक्षा कीजिए कि आखिर इस यह सही रिजल्ट क्यों नहीं दे पाई, क्या कमियां थी, तो उस कमी को दूर करो, नए ढंग से फिर प्रभावी बनाओ। ऐसा नहीं कि पॉलिसी बन गई है बस चलाए जा रहे हो सालों साल। तो ऐसे आप बहुत सारे सुझाव दे करके या समाधान दे करके अपने उत्तर को अच्छा बना सकते हो। और फाइनली लास्ट में बचता है निष्कर्ष। निष्कर्ष आपको लिखने की कोशिश करना चाहिए, है ना। एक तो जनरल सा निष्कर्ष है बट आप अपने तरीके से लिखें। तो भारतीय कृषि नई चुनौतियों का सामना कर रही है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए न सिर्फ सरकार को, किसानों के संगठनों को, अन्य हितधारकों को मिलकर कार्य करना पड़ेगा और आप इसको बेहतर बना सकते हो। तो ये आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगला लेक्चर आपको फिर मिलेगा कल। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो लाइक करते हैं, लाइक व्यू ज़्यादा दिखते हैं तो आपको और अच्छा कंटेंट मिलेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कोई डाउट है तो कमेंट करो। और आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो, वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। इन सब के लिंक जो हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम कल से ही स्टार्ट कर देंगे एंटरप्रेन्योरशिप वाले लेक्चर को, उद्यमता वाले लेक्चर को। तो दो लेक्चर आपको कंटिन्यूअस मिलेंगे। दोनों का संबंध अभी मुख्य परीक्षा से होगा। तो एक वो लोग जो 24 की मेंस लिख रहे हैं और वे लोग जो आगे जा करके तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। और ये सही बात है कि आंसर राइटिंग परफेक्ट कैसे लिखी जाए, सबसे पहले बताने वाला पर्सन मैं ही हूँ। जब शुरुआती दिनों में कोई भी नहीं करता था ये काम, तब से मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, सो थैंक यू एंड गुड लक।